अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम आने वाली वीडियो में आपको पिक्सल लैब में कैसे गैलरी के ज़रिए से पिक्स को इंपोर्ट करते हैं लोग सिखाएंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, हाउ वी कैन इम्पोर्ट। ठीक है, जैसे कि अब हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मैं इंपोर्ट का बटन प्रेस करती हूँ तो ये हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ आ जाती हैं। ठीक है, और फ़ोटोज़ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए कैट की हमारी पिक्चर थी तो ये मैंने कैट की पिक्चर इसमें अपलोड की है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है, अच्छा चलें ये कैट की पिक्चर जो है वो ऐसे रहे और मेरा जो टेक्स्ट है वो ऐसे इसके पास नीचे रहे। ठीक है, अब मैं इस पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग इसको देखें मैं सेट कर लिया। देखिए अब मेरे पास, देखिए मेरी इम्पोर्ट की हुई पिक्चर वैसे हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो है इसको खूबसूरत सा को कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैं ये देखिए इसको टेक्स्ट में, सबसे पहले तो मैं सॉरी टेक्स्ट को चलिए कलरिंग दे लेती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास रेड कलर में मैंने इसको कलर दिया है, इसको ओके का बटन प्रेस किया है। ठीक है, मैं इसको स्टाइल कुछ डिफरेंट देना चाहती हूँ। ठीक है, कि मैंने इसको कोई अच्छा सा स्टाइल जो मुझे अच्छा लगे तो मैंने इसको क्लिक किया है। ठीक है, ये देखिए मेरा स्टाइल जो है चेंज हो गया है। अब मैं चाह रही हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है वो भी मैं इसका चेंज करूँ जो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा लगे। देखिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पे जाती हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया है, इसको ऑन किया है, ये देखिए मैं इसको रेड करती हूँ तो वो रेड ही बुरा हो गया है तो इसलिए मैं इसको कोई और कलर देती हूँ। चलिए मैंने ब्लैक दे दिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया है। ठीक है, ये हमारे पास विद पिक्चर्स हमारे पास ये राइट किए अब हमारे पास आ गई है। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंट स्टाइल में इसको चाहूँ तो कुछ भी दे सकती हूँ, जिस तरह चाहूँ। अगर मैं बोल्ड करना चाहूँ तो भी इस टेक्स्ट को कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा रोटेट हो या सॉरी जिस पोजीशन में था वो ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये देखिए मैं इसको उसकी प्रीवियस पोजीशन में सेट करती हूँ। प्रीवियस पोजीशन में ये देखें, ये प्रीवियस पोजीशन से ज़रा हिल गया है। ठीक है, ये देखिए चलें इसी तरह अच्छा लग रहा है नीचे पिक्स में तो हम इसको ही वैसे ही रहने देते हैं, अच्छी लग रही है लुक। ये देखिए आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने आपको पिक्चर भी इसकी इंपोर्ट करना बताई और कैसे इसको आप नीचे थोड़ी सी लाइन में नीचे कुछ भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, हाउ वी कैन इम्पोर्ट पिक्चर फ्रॉम गैलरी। ठीक है, ये वर्ड भी हमारे पास दोनों साइड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको मज़ीद मैं इसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में बताऊँगी। हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।